सारे हिंदुस्तान के नागरिकों को इस मुबारक मौके पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पे सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत एक अहम दिन है, जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन पैदा हुए, अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पर भेजा और उन्हें हमें अल्लाह ताला की इबादत करने का सही और अच्छा तरीका। मैं थोड़ी रिक्वेस्ट ये करूँगा इस मौके पे कि जो हमारे बच्चे जो इस दिन पे डीजे यूज़ करते हैं, तो एक आम राय ये बनी है सब बुज़ुर्गों की कि डीजे यूज़ नहीं किया जाए, और ये इबादत का दिन है, इसमें इबादत की जाए। इसमें जो फ़र्ज़ नमाज जो होती है, जुहर, असर, मकरी, पिशा, तो जुलूस के बीच में से नमाज के वक्त में जुलूस स्टॉप किया जाए और फ़र्ज़ नमाज अदायगी की जाए और उसके बाद अपने जुलूस में जाया जाए। एक ये बात है। दूसरी बात, मैं रिक्वेस्ट करूँगा नौजवानों से और सबसे कि जो पैम्पलेट्स बनाते हैं, जो अपनी गाड़ियों पे कटआउट्स लगाते हैं जिसमें कि काबा शरीफ का फ़ोटो होता है, जिसमें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह का जो मस्जिद है वो मस्जिद का फ़ोटो होता है, तो अपना प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, अपना जुलूस ख़त्म होने के बाद वो पिक्चर्स को, वो फ़ोटोग्राफ्स को बराबर से उसे डिस्पोज करें, जो तरीका है इस्लाम का। बस इसी यही चीज़ बोलते हुए मैं सबको फिर मुबारकबाद देता हूँ। अमन शांति का दिन है और ये दिन अच्छे से जाए और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद।